बड़ी खबर चंपावत से। चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान के लिए लाइनों में वोटर्स खड़े हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और सुबह से ही वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सभी से मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की। 3 जून को मतों की गणना होगी। उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कुल 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत में इस समय मतदान लगातार जारी है। इसी पर हमारे साथ राव शफत अली, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफत, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज बड़ा दिन, और ऐसे में क्या हलचल, किस तरह का माहौल चंपावत में नजर आ रहे हैं? और साथ ही मतदान की हम बात करें तो लोग क्या घरों से बाहर आ रहे हैं, कितनी स्पीड, धीमी गति से चल रहा है या फिर लोग हैं लगे हुए हैं लाइनों में? हाँ अवंतिका, देखिए बहुत उत्साह है क्योंकि उपचुनाव है चंपावत में, और ये मानिए कि जो ऐतिहासिक दिन है उसकी आज एक नींव रखी जा रही है। हालांकि देखिए बीजेपी के अंदर ज्यादा उत्साह नजर आता है क्योंकि सीएम खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला माना जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं पहले ही निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली थी। 151 मतदेय केंद्र बनाए गए हैं और आज 96,042 जो मतदाता हैं वो किस्मत का फैसला करेंगे। खास बात यह है कि इस मुकाबले में चंपावत के उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सबसे बड़े प्रबल अगर बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला, लेकिन यहाँ पर सपा से भी एक उम्मीदवार उतरे हैं, मनोज भट्ट। इसके साथ ही जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है हिमांशु, वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि आप पार्टी जिस जोरों शोरों से कभी उत्तराखंड के विधानसभा 2022 के चुनाव में उतरी थी, उसका कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता। जो दूसरी यहाँ की लोकल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल UKD, उसका कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता। बहरहाल 4 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और उत्साह की अगर बात करते हैं तो देखिए पहले से ही बीजेपी ने तैयारी की थी, कांग्रेस ने भी तैयारी की थी, बहुत लंबी फहरिस्त बनाई गई थी स्टार प्रचारकों की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए थे, केंद्रीय मंत्री नहीं आए थे, हालांकि बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे। तो अब जो लोकल नेता थे, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए नेता थे, बड़े वजूद के नेता जो माने जाते थे, वही उस चंपावत की सीट पर, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन दोनों के नेता वहां पर लगातार आते जाते रहे। 26 दिन ये बड़ा ही चुनाव प्रचार चला और 24 घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद आज जो दिन है जिसका इंतजार था मतदेय के लिए, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इसमें युवा बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ बुजुर्ग जो है वो मतदेय स्थल पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 96,042 यहाँ एक आंकड़ा है जो मतदाता है वो है, और 46,000 से ज्यादा यहाँ महिलाएं अपने वोट को कास्ट करती हैं, उससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा पुरुष यहाँ मतदाता हैं, और 3 तारीख को किस्मत का फैसला होगा। सबसे खास बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर उत्साह इस बात का है कि सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। निर्मला गहतोड़ी देखिए बहुत बड़ा, ऐसे में अगर देखें तो इस बार जो मतदान करने के जनता घरों से बाहर निकली है वो चेहरा देख के मतदान करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से खुद खड़े हुए हैं। हाँ अवंतिका, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो युवा नेता तो हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने पहले कमान संभाली थी, उसके बाद वो अपनी सीट को खटीमा से हार गए थे दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उनको वापस फिर से सीएम बना दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जनता अच्छी तरह से समझती है कि जब पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हारे थे विधानसभा का, उसके बाद उनको एक बार फिर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता के अंदर उत्साह है बहुत ज्यादा, लेकिन मुकाबला ऐसा नहीं कि बहुत हल्का मुकाबला है, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी का जो उस क्षेत्र में वजूद है वो अच्छा वजूद माना जाता है, भले ही कांग्रेस में उनकी बहुत बड़ी पकड़ ना हो या फिर प्रदेश उनको ना जानता हो, लेकिन जो वो क्षेत्र है निर्मला गहतोड़ी के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। तो दोनों प्रत्याशियों के बीच ही ये मुकाबला माना जा रहा है। बहरहाल 3 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको पसंद किया है, लेकिन इस मुकाबले में 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सपा की अगर बात करते, देखिए सपा का यहाँ बहुत बड़ा कोई वोट बैंक तो है नहीं, लेकिन सपा की तरफ से भी यहाँ प्रत्याशी मैदान में है। मनोज भट्ट यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जोरों शोरों से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जोरों शोरों से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था, और अभी अगर 2 दिन पहले की तस्वीरों की बात करते हैं तो बाइक से यानी मोटरसाइकिल से वो डोर टू डोर
लोगों से मिलने के लिए गए थे और बहुत बड़ी सौगातें भी वहां से दी थी, क्योंकि इसके अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की इस सीट की बात करते हैं तो ये जो सीटें बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2002 में यहां कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस के विधायक थे हिमेश खरकवाल, उसके बाद जो है बीजेपी 2007 में यहां आती है, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें बदलती हैं। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव होते तो कांग्रेस का एक बार फिर से कब्जा होता, लेकिन 2017 और 2022 की जो हालिया अभी इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन यहां से बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के लिए। पहले उन्होंने ऑफर किया था कि अगर मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ना चाहते तो अपना इस्तीफा दे देंगे, और इसी तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता रहा, और यही सीट सबसे ज्यादा मुफीद मानी गई मुख्यमंत्री के लिए कि यहां से वो चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। और आज उसी के लिए मतदान देने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए जो चंपावत के लोग हैं वो लगातार सुबह 8 बजे से और शाम के 5 बजे तक का ये वक्त है, तो यहाँ लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोगों में उत्साह और जोश भी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ उपचुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, और उनकी ओर से जोर शोर से चुनाव प्रचार इस बार इस सीट के लिए किया भी गया है। बहुत शुक्रिया राज शफत अली, तमाम जानकारी आपने दी है। तो इस समय मतदान लगातार जारी है, जनता की ओर से मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है।